इंस्पेक्टर मलक पे ट्रैफिक और इंस्पेक्टर चादर घाट लाइन ऑर्डर के साथ चादर घाट चौरस्ते से आजमपुरा ब्रिज तक पूरा मायना किया गया, और ख़ास तौर पे ताकि ये छोटा कारोबार करने वाले मंडी वाले जो फूड का कारोबार करते हैं ना उनको तकलीफ़ हो ना हलियाने मोहल्ला को तकलीफ हो, ऐसा सलूशन निकालने की बात की गई। इंस्पेक्टर दोनों पुलिस अधिकारियों ने वादा किया पूरे तरीके से ताउन करेंगे, एक सिंगल लाइन पूरा बंडी कितने एरिया में ठहरना है उसकी मार्किंग कर देंगे, ट्रैफिक चलने के वास्ते भी जगह आसानी से ट्रैफिक जैसा पास हो वैसा भी छोड़ेंगे। और रमज़ान में हमेशा जिस तरीके से आजमपुरा ब्रिज के पास जो ट्रैफिक जाम हो जाती है और इसमें पब्लिक को आने जाने तकलीफ होती है, ये दो कांस्टेबल दिन भर रहेंगे और 5 से 8 बजे के दरमियान 4 कांस्टेबल को यहाँ पर डिप्यूट करो ताकि वो लोग ट्रैफिक रोक के ईजी ट्रैफिक फ्लो करने के लिए मदद कर सकें। और कोशिश ये भी की जा रही है कि लाल आजार के पास से भी डिवाइडर खोल के 5 से 8 उधर से भी ट्रैफिक इधर डाइवर्ट हो सके, इधर उधर से भी ट्रैफिक आ सके ताकि आजमपुरा वेंट के अंदर ब्रिज के रेलवे ब्रिज के पास ट्रैफिक का दबाव कम हो और लोग आसानी से अपने घरों को जाए, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया कि इफ्तार के टाइम पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश रहता, उसको कम करने के लिए जो भी इकदाम है पुलिस डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी गई है और उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल उस तरीके से करेंगे। शुक्रिया। राजा जी तुम आज किसके ना भाई।